मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। तेजस्वी यादव ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले चरण की 4 सीटों पर गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में परिवारवाद को लेकर ही निशाना साधा है। भाजपा की तरफ देखेंगे, एनडीए की तरफ देखेंगे तो ये एनडीए वाले लोग केवल जमुई सीट को प्रयोगशाला बना रखा है, कभी इसको कभी उसको टिकट दे देगा और ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो जमुई में टिकेगा नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी दिया है, आपके घर के लोगों के बीच की प्रत्याशी आप लोगों को मिला है। आप सब लोगों को निर्णय करना है कि आने वाले चुनाव में अब दूसरी तरफ वाले को हम क्या कह रहे, मेहमाने ना कहेंगे, जो अतिथि है, मेहमान है, गेस्ट है, चुनाव जब तक है चुनाव रहेगा फिर वापस चले जाएंगे। देखिए हम लोगों का सम्मान तो हर एक के प्रति है, सब लोगों के प्रति है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का क्या ताल्लुक रहा वो किसी से छुपा नहीं है। अब चिराग उनके बेटे हैं, हमारा पुराना परिचय है, कई बार हम लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन आजकल हनुमान बने हुए हैं। लेकिन वो भी भाई है, अब उनके भाई के जीजा है तो मेहमान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप मेहमान का हम भी नहीं जानते हैं कि भाई पता कहाँ है। बताओ, हाथ उठा के एक व्यक्ति बता दीजिए कि उनका पता कहाँ है। अगर अनुमति हो हम तो फिर आते ही रहेंगे। जमुई के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगे बता दो जरा। तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, एक बार भी परिवारवाद के बारे में जिक्र नहीं किया जमुई में। और ये बता, प्रधानमंत्री जी आखिरी बार कब आए थे जमुई, चुनाव में 5 साल पहले? अब फिर आए चुनाव में 5 साल बाद, पिछले बार क्या क्या बोला था याद है? क्या क्या बोले थे 14 से 19 में, क्या क्या बोले थे कि हम आएंगे तो गरीबी को मिटा देंगे। हाथ रख के दिल पे रख खुद के बताइए कि गरीबी मिटा है कि बढ़ा है, बताइए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। क्या बोले थे कि महंगाई खत्म कर देंगे, बताओ महंगाई खत्म हुआ है कि और सामान महंगा हो गया? क्या बोले थे कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, बताओ कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री जी ने? तो जमुई को खाली ठगने आते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।